बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ मुझे आपके साथ में आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है कि आप आपके साथ में शेयर करूंगा आईफोन 11 प्रो मैक्स यूज में पड़ा हुआ है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले ही काफी शेयर कर चुका हूं, सॉरी, लेकिन आप भाइयों के भाई बहुत कमेंट आते हैं इस सीरीज को लेकर। तो आज की वीडियो फिर आईफोन 11 प्रो मैक्स जो कि यूजेबल में है, तो देखते हैं। ये रखा जी आपके सामने आईफोन 11 प्रो मैक्स जो कि यूजेबल में है। सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में अगर आप भाई घूमते हैं, यानी कि किसी भी सिटी में आप मौजूद हैं, अगर आप मोबाइल मार्केट का विजिट करते हैं, जो कि आप जरूर करते होंगे भाई, तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा ये कितने तक का होना चाहिए। बाकी आप भाइयों के साथ मैं अपना एक छोटा सा रिव्यू का बोल रहा यार इस मोबाइल की कंडीशन और इसके प्राइस आपको बता देता हूँ अभी कि सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इस कंडीशन का यूजेबल आईफोन 11 प्रो मैक्स कितने तक का होना चाहिए। सबसे पहले अगर बैक कैमरों की बात करें, 12-12 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे हैं, ये तो आप सब भाइयों को पता है जी। कैमरों के मिरर वगैरह बिल्कुल ओके हैं, इनके ऊपर कोई किसी किस्म की खराश नहीं होनी चाहिए, ना ही कैमरों के इर्द गिर्द जो कलर यूज किया जाता है ये भाई डैमेज होना चाहिए, वरना आपके आईफोन्स के प्राइस भाई काफी डाउन हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है। नीचे एप्पल वालों का लोगो है जी, बिल्कुल ओके है। बैक साइड से मैं देख रहा हूं कहीं कोई चोट का या खराश का निशान बिल्कुल नहीं है जी, मोबाइल बैक साइड से बिल्कुल ओके है। अच्छा, 3500 रियाल प्लस 256 GB लिखा हुआ है, इसके मुतालिक भी आगे मैं तफसील से आपको बता देता हूँ। नीचे स्पीकर रिगलिंग चार्जिंग की जगह, स्पीकर रिगलिंग में हल्की फुल्की धूल, ये चार्जिंग में हल्की फुल्की धूल होती है, ये कोई मसला नहीं है, यूजेबल मोबाइल में ऐसा होता है। साइडों से देखें, कोनों से मोबाइल को देखें, मोबाइल में कहीं कोई ज़्यादा खराशों के निशान तो नहीं है, मोबाइल कहीं गिरा हो तो भाई साफ ज़ाहर पता चल जाता है कहीं ना कहीं मोबाइल चोट का या दाग धब्बे का निशान ज़रूर छोड़ता है। तो भाई साइडों से, कोनों से, ऊपर नीचे से मैंने देखा है बिल्कुल ओके, हल्की फुल्की खराश कहीं ना कहीं साइडों पर मैंने देखी है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं, 6.5 यानी कि 6.5 इंच का बड़े टाइप का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो भी आपको 12 ही मेगापिक्सल का मिलेगा। ऊपर वाली स्पीकर ग्रिलिंग बिल्कुल साफ एंड क्लीन है, इसमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो भाई बैक साइड से और साइडों से, कोनों से, ऊपर वाली स्पीकर ग्रिलिंग, सेल्फी कैमरे की बात करें तो बिल्कुल ओके है जी, कोई मसला नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इसके कैमरे का। अच्छा, कैमरा मैं आपको चलाकर दिखा रखा हूं, कैमरे का रिजल्ट भी आप भाई चेक कीजिए और इसी से अपना डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले में कोई किसी किस्म का डॉट का निशान या कहीं से कोई डिस्प्ले ब्लैक तो नहीं है, ये भी आपको वाजे पता चल जाएगा, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अभी मैं आपको इसकी बैटरी हेल्थ भी दिखा देता हूं, जो कि ओरिजिनल 4000 mAh की इसमें बैटरी आती थी, लेकिन यहां पर आप देख लिखा हुआ है इसकी बैटरी बिल्कुल वेरी गुड कंडीशन में आती है और ये रिप्लेसमेंट नहीं है भाई, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मोबाइल बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है, खुला हुआ नहीं है। इसकी बैटरी हेल्थ अभी भी बिल्कुल गुड कंडीशन में पड़ी हुई है। अगर स्टोरेज की बात करूं तो आपको 64, 256, 512 तीन स्टोरेज में ये अवेलेबल होता था, और रैम की बात करें तो आपको एक ही 4 GB रैम इसमें भाई मिलेगी। अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, मैंने आपको बता दिया, सॉरी, 12 मेगापिक्सल का 180+4K वीडियो आप उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस के मुतालिक, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने भाई ये बॉक्स देख लें इसका, यहाँ पर आपको बॉक्स भी मैं दिखा रहा हूँ, इसमें चार्जर नहीं आपको मिलेगा, साथ में आपको डाटा केबल मिल जाएगी, बस भी चार्जर आपको भाई अलहदा से लेना पड़ेगा। यूजेबल मोबाइल में ऐसा मसला होता है, ये कोई मसला नहीं है। 3500 रियाल लिखा हुआ है, 256 GB, ये बंदा बोल रहा है 3500 रियाल में 256 GB वाला मैं दूंगा, मैंने उसको बोला इसमें कोई प्यार मोहब्बत लेस। नीचे मोबाइल और भी पड़े हुए हैं, देख सकते हैं, किसी और की वीडियो देखनी हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई ये बोल रहा है कि इसमें भाई मैं 3400 का दे दूंगा, तो मैंने उसको बोला नहीं और कुछ, तो वो बोलता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3000 या 3100 के अराउंड में होना चाहिए, क्योंकि आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा यार कि ये कितने तक का होना चाहिए। बाकी किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अपनी सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।